कहते हैं कंडीशन एसेसिस था, तो फोटोसिंथेसिस लाइसोट्रॉपिक है। इसमें दो कंडीशन हमें याद हमको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर आपका सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, इन सब चीज को जरूरत होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है। तो जिसमें से आपको दो पॉइंट्स यहां पर दिया गया है कि हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पाया जाता है, तो प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर यानी एयर से ही प्राप्त करता है। अब सवाल होता है कि एयर से प्राप्त कैसे करता है, जैसे मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि प्लांट्स से कार्बन डाइऑक्साइड नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है फ्रॉम एयर, तो इसको हटा एयर से जो है इसको थ्रो इसको हटा, इस बात को ध्यान देना है, तो इसको हटा से ही एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लेता है। इसको हटा क्या होता है, तो इसको हटा क्या होता है कि प्लांट्स के पत्ते पर लीफ जो है छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं, यू नो देयर इज अ लार्ज नंबर अलार्ट नंबर ऑफ टिनी होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस के लीफ पे लार्ज नंबर ऑफ टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं और दैट टिनी होल्स इज कॉल्ड इसको हटा। उसी टिनी होल्स को आप लीफ्स को अगर ध्यान से देखेंगे ऐसे इसमें हल्के 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 चीज दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत केयरफुली देखना है, बहुत से लीफ में दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर भी होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटा। और वो इंस्ट्रूमेंटा क्या होता है, टीवी होल होता है, उसी के सहारे जो है प्लांट से क्या करता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है अजार करता है और लेता है। लीफ पर जो है छोटे छोटे गॉड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जो है गॉड सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इंटर करता है प्लांट्स में, तो इसको मेटा धीरे धीरे लार्ज क्लास किया जाता है फोटोसिंथेसिस के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज किया जाता है वो जो होता है एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट्स पत्ते के द्वारा, पत्ते के द्वारा कैसे लीफ्स के द्वारा कैसे लेता है, तो लीफ्स में टिनी होल्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ टिनी होल्स होते हैं और उसी होल्स के चलते वो आपका लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और उस होल को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उस होल को हम पाइपलाइन जाइलम डिजीज,
यानी जो ये दूसरे से जैसे यहां से अगर लिफ्ट निकल जाए क्या है मान लो ये आपका लिफ्ट सर प्लांट से ऐसे लिफ्ट निकल रहा है, इधर से जो है ऐसे आपका कई लिफ्ट निकल रहे हैं, दस आपके स्ट्रीम निकल रहे हैं प्लांट से, तो जो जाइलेंस होते हैं जो इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जाइलेंस, उसी के द्वारा रोबोट से क्या करता है वाटर लेता है, वाटर को पार्ट्स के डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में क्या करता है भेजता है। तो इसलिए इसको आप नोट करें, तो आगे की जो दो कंडीशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।